foreign currency transactions, and let's see a practical question. Here we will see how the accounts are translated into local currency. A Limited imported on 31st January 2020 computer from China for invoice value of 30,000 yen. As per terms of the transaction, payment was to be made in the following manner. Company financial year end on 30th June. आपने 31 जनवरी को आपने इंपोर्ट किए कंप्यूटर और आपने पेमेंट करनी है पेमेंट के लिए नीचे बता रहा है कि 20,000 येन ऑन अप्रैल 30th को और 10,000 येन ऑन 12th जुलाई. अब देखिए रसीद जो ट्रांजैक्शन हुई है वो है 31 जनवरी. तो 31 जनवरी का जो रेट है येन का रुपी का 20.7 है. तो आपने आप इस रेट पर बुक कर लेना है यानी कंप्यूटर्स को डेबिट कर लेना है और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करना है इस रेट. अब जब तक पेमेंट की बात आ रही है तो वहाँ पर आप 21.3 दे रहे हैं तो पेमेंट ऑब्वियसली आपने इसी रेट से कर. तो आपको देखना पड़ेगा कि अब हम जो पेमेंट कर रहे हैं 10,000 वो उसके रेट्स के मल्टीप्लाई करके क्या अमाउंट बनती है. सिमिलरली बाकी जो ईयर एंड आता है आपका जो बैलेंस बचा हुआ है क्योंकि देखिए ना 30 में से आपने 20 पे कर दिया और 10 पे कर दिया तो इन्वेंट्री आपके पास या स्टॉक जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके पास पड़े हुए तो उनको कैसे ट्रांसलेट करना है. लेट्स सी परचेजेस 30,000 इनटू 20.7 तो इट कम्स टू 621 डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल 621 क्रेडिट. अकाउंट्स पेएबल अब 30th अप्रैल को जो पेमेंट कर रहे हैं आप 20,000 की 21.30 से मल्टीप्लाई किया तो आपको अकाउंट्स पेएबल तो पुराने ही रेट से करना पड़ेगा लेकिन पेमेंट आप कर रहे हैं 20.7 के हिसाब से तो विच इज़ 420. अब दोनों का जो डिफरेंस है यानी 20,000 को अगर आप इनिशियल रेट जो है 2.7 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो वो आता है 414,000 और एक्सचेंज लॉस आपको हो जाएगा 6,600 क्योंकि आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी. अच्छा फिर है कि आपने ईयर एंड पर अकाउंट्स पेएबल बाकी जो आपने पे करना है उसको देखिए क्या उसमें आप कैश जो एक्सचेंज लॉस आ रहा है आपका 30,000 ईयर एंड पर क्योंकि आपके पास बचे कितने थे 20-30 में से 20 पे कर दिए 10 बच गए तो उस 10 को भी देखें कि आपका रेट जो ओरिजिनल क्या था और बाद में क्या बाद में देखें उसका रेट बन जाता है आपका जाके 27.235. तो इसमें आप जो डिफरेंस है रेट का वो आपका एक किस्म का एक्सचेंज लॉस हो जाएगा क्योंकि आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा. अकाउंट्स पेएबल आपके बढ़ जाएंगे और एक्सचेंज लॉस जो है वो 6,000 और ये 3,000 एंड ऑफ द ईयर आपके इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा क्योंकि ये दोनों लॉसेस जो हैं आपके इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे और जो आखिर में बच गए हैं अकाउंट्स पेएबल उसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्लोजिंग रेट से. तो इसमें भी आप देखें कि इसमें भी आपको जो है ना इसमें गेन हो रहा है. तो ये ट्रांसलेशन जो है आपको करना पड़ेगी ऑन द डिफरेंट रेट्स. ये है अगर आपने परचेज सेल्स की ये है तो आपको रिसीवेबल बुक करना पड़ेंगे और सेल्स क्रेडिट करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली जो जो पैसे आते जाएंगे जो उस पर्टिकुलर डेट का जो रेट होगा उससे आपको पैसे रिसीव करेंगे लेकिन जो ओरिजिनल बुक किया है उससे क्रेडिट करेंगे और जो डिफरेंस है गेन और लॉस आप बुक करते चले जाएंगे. तो दिस इज़ हाउ द फॉरेन करेंसी बिजनेस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स बिजनेस ट्रांसलेशन विल बी मेड इन पाक रुपीज. थैंक यू वेरी मच.